नाउ पार्टनरशिप चैप्टर का यूनिट नंबर टू, पार्टनरशिप चैप्टर यूनिट नंबर टू। देखो चैप्टर का नाम देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, साझेदारी खातों में ख्याति का लेखांकन, समायोजन, ट्रीटमेंट जो भी कुछ है। बेटा सबसे पहले तो अपने को क्या समझना चाहिए कि ख्याति होती क्या है। ख्याति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी व्यापार की जो प्रतिष्ठा है उसका मूल्य ही ख्याति कहलाता है? Yes, sir. ख्याति से आशय व्यापार की प्रतिष्ठा के मूल्य से। ख्याति एक प्रकार की अदृश्य संपत्ति होती है, अमूर्त संपत्ति होती है, जिसे इंग्लिश में इनटेंजिबल एसेट का नाम दिया जाता है। वेरी गुड, पता था आपको? टेंजिबल या इनटेंजिबल? ये फर्नीचर क्या है? गुडविल क्या है? वेरी गुड। ख्याति दो प्रकार से अर्जित की जाती है, या तो पैसा देकर ले लो, उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल, क्रय की गई ख्याति। एक होती है स्वयं अर्जित की गई ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट, लेखांकन मानक 26 में लिखा है, अमूर्त संपत्तियों का जो लेखांकन बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्वयं अर्जित की गई ख्याति को पुस्तकों में नहीं दर्शाया जा सकता। और अगर आपने दर्शा रखा है तो उसे इमीडिएटली क्या करते हैं? राइट ऑफ। क्या करते हैं उसे इमीडिएटली? आ गई बात समझ? देखो बेटा, किसी भी फॉर्म की ख्याति या किसी भी व्यापार की ख्याति का स्पष्ट और सही मूल्यांकन किया जाना काफी मुश्किल है। कभी मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुडविल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ऐसी कंडीशन में कुछ आधार हैं जिन आधार के ऊपर अपन फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न पहले तो ये उठता है कि सर हम ख्याति का मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, क्या आवश्यकता पैदा हो जाती है पार्टनरशिप के केस में ख्याति के मूल्यांकन की? जब दो साझेदारों के मध्य में अपने लाभ हानि के अनुपात में क्या हो रहा हो बेटे? परिवर्तन। तो फर्म द्वारा क्या किया जाता है? ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, और उस ख्याति में जिस साझेदार को अनुपात परिवर्तन होने के कारण फायदा हो रहा हो उससे तो उसके फायदे के अनुपात में पैसा ले लिया जाता है, और जिस साझेदार को क्या हो रहा हो बेटे? नुकसान, उस साझेदार के पूंजी खाते का जो नुकसान हो रहा है उसे प्राप्ति वाले साझेदार से लेकर नुकसान होने वाले साझेदार को दे दिया जाता है। क्योंकि ख्याति किसने कमाई है? पुराने साझेदारों ने कमाई है, पुराने अनुपात में कमाई है। कल को रेशो चेंज हो जाने से किसी एक को फायदा हो जाए, किसी एक को नुकसान हो जाए, ऐसा चल नहीं सकता। इसलिए जब भी दो साझेदारों के मध्य में क्या होगा बेटे? लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा, हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। एम आई क्लियर बेटे? नंबर दूसरा, जब भी कोई साझेदार फर्म में प्रवेश ले रहा हो तो पुराने साझेदार उसे फर्म के लाभों में से कुछ लाभ अपने हिस्से का त्याग करके ही तो उसे उससे हिस्सा बनाएंगे बेटा। तो क्या वो फ्री फोकट में ही पार्टनर बन जाएगा क्या? पूंजी तो लानी ही पड़ेगी, और साथ ही साथ पार्टनरशिप फॉर्म में वो एडमिशन ले रहा है तो उसे लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो उसके हिस्से की ख्याति कितनी होगी कितनी नहीं, उससे पहले अपने को फॉर्म की ख्याति याद करनी पड़ेगी। तीसरा, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले या साझेदार की क्या हो जाए बेटे? मृत्यु। तो जो अवकाश ग्रहण करने वाला यानी रिटायरिंग पार्टनर फर्म की ख्याति में अपना हिस्सा मांग के लेके जाएगा, या जिस साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उसका उत्तराधिकारी जो फर्म से पैसा मांगने आएगा वह भी फर्म की ख्याति में से मृतक साझेदार के हिस्से की ख्याति की कामना करता है। अब क्योंकि उसने पैसे मांग लिए ख्याति के, तो अपने को फर्म की सबसे पहले क्या पता करनी पड़ेगी? ख्याति, और उसमें से जाने वाले या मृतक साझेदार के हिस्से की ख्याति का हिस्सा निकाला जाएगा। तो मैंने 4-5 बातें आपको बोली जहां पर अपने को ख्याति का मूल्यांकन करना जरूरी है। अब पॉइंट ये आता है, सर ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पे किया जाए, किस किस चीज को आप बेस बनाएंगे कि सर इसको बेस बना ले आप फॉर्म की ख्याति क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कहा व्यापार की प्रतिष्ठा का मूल्य है ख्याति, और व्यापार की प्रतिष्ठा कब बनती है? जब उसके पास कस्टमर के कस्टमर माल खरीदने और सर्विसेज लेने आते हैं।
तो क्योंकि वो अच्छा माल बेच रहा है, अच्छी सर्विस दे रहा है, यानी उसको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कि गुडविल का मूल्यांकन करने के लिए आधार जो है वो है प्रॉफिट्स। क्या है बेटे? सामान्य प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट्स? सामान्य प्रॉफिट। सामान्य प्रॉफिट का मतलब कैसे? मैं कहूं कि 2018 में फर्म ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, सर 2019 में फर्म ने 1,10,000 का प्रॉफिट कमाया, लेकिन 2020 में फर्म ने मात्र 40,000 का ही प्रॉफिट कमाया। तो सर यहाँ 2040 में तो फर्म की गुडविल क्या हो गई होगी? खराब हो गई होगी। मैंने कहा नहीं सुनिए, 2020 में पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था, इसलिए 6 महीने ये दुकान अपनी नहीं खोल सका। अगर ये उन 6 महीनों में दुकान खोला होता तो ये 50,000 का प्रॉफिट और कमाया होता। यानी कि इसके फर्म के प्रॉफिट कितने रहे होते? तो जब मैं ख्याति का मूल्यांकन करने जाऊंगा तो 1,10,000 और 40,000 पे आधार बनाऊं, या 1,10,000 और 90,000 को आधार बनाऊं? बात समझ में आ गई बेटा? तो मैं फर्म के एबनॉर्मल प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दूंगा, किस पे ध्यान दूंगा? नॉर्मल प्रॉफिट। आई आपको बात समझ? तो जब भी हम फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो अपने को कौन से आधार चाहिएंगे? प्रॉफिट, और वो भी प्रॉफिट कौन सा? नॉर्मल। यानी कि अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हो तो उसे लाभों में से घटा देंगे, और जब कोई एबनॉर्मल लॉस उसमें माइनस हो चुका हो तो उसको ऐड कर देंगे। आ गई बात समझ? अब देखो, ख्याति के मूल्यांकन की कुछ विधियां होती हैं। पहली विधि औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी होती है अधिलाभ विधि, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है लाभों की पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। चौथा होता है वार्षिकी विधि, एन्यूटी मेथड। पहला मैंने कौन सा बोला? एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में कितनी विधियां होती हैं? दो। पहली होती है सिंपल एवरेज, दूसरी होती है वेटेड एवरेज। ओके, सिंपल एवरेज विधि में क्या ख्याति का मूल्यांकन सिंपल एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज करके किया जाता है? अच्छा, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होते हैं? पिछले, जैसे मान लीजिए मैं 2022 में क्या कर रहा हूँ? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया पिछले 3 साल, 2021, 2020, 2019, इसके कुछ प्रॉफिट मेरे सामने थे, 1,10,000 और 1,05,000। तीनों का टोटल लगाओ 3,25,000, आ गया 3,35। इसको एक काम करता हूँ, 3,36 कर दूँ इजी बनाने के लिए। मान लो यहाँ मैं कितना कर दिया, 1,06,000 कर दिया, तो मेरा टोटल प्रॉफिट तो कितना आ गया? 3,36,000। कितने वर्षों का? एक वर्ष का बताओ। 1,00,000, मान लो 2 वर्षों के क्रय से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो 1,12,000 मल्टीप्लाई दो, 2,24,000। ये फॉर्म की क्या होगी बेटे? कौन सी विधि से? सामान्य औसत लाभों से। कौन से बेटे? लेकिन एक विधि भी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें गुडविल का फॉर्मूला कुछ ये होता होगा। है ना, यही फॉर्मूला होता है ना? पॉइंट ये आता है सर, ये वेटेड एवरेज भारित औसत मूल्य विधि लागू कब होती है बताओ पहले, या फिर प्रॉफिट घटते जा रहे हैं। मान लीजिए मैं 2022 में फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कर रहा हूँ, मेरे सामने प्रॉफिट 2019 का भी गिवन है, 2020 का भी, और 2021 का। 2019 में प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपये का, 2020 में हुआ, और 2021 में हो गया 1,25,000 रुपये का। जरूरी नहीं है प्रॉफिट समान क्रम से बढ़े, 1 रुपये बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ के आ जाएगा। मैं इनको क्या नाम दूंगा? प्रॉफिट्स का। और मैं इनको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? उसके भार, वेट से। भार दे दिया 1, 2, 3। आई बेटे बात समझ?
तो वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख, 2 लाख 20 हजार। आई बात समझ? अब पहले मैं इन वेटेड प्रॉफिट का टोटल लगाऊंगा, 6 लाख, पक्का है ना? और टोटल ऑफ वेट कितना है? 6। अब मुझे पहले कौन सा प्रॉफिट निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बेटा 6,95,000 डिवाइड बाय 6, 1,15,000, 800, तो 833 कर दो बेटा। ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ। समझ गए बेटा? अब मैंने कहा कितने वर्षों से, मान लो 2 वर्षों से, तो गुणा 2 कर दो बेटा, करो देखें। 2 लाख 666 या फिर 67 कर दूं, या 66 कर, जो भी कुछ हमने आएगा वो मेरा क्या रहेगा बेटा? ख्याति का मूल्यांकन। मैंने कुछ नया पढ़ाया क्या तुम लोगों को? सब 12वीं पढ़े हुए हैं। हाँ बोलो। जितने वर्षों तक ये ख्याति विद्यमान रहेगी व्यापार में उसे। दूसरा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? अधिलाभ है, बहुत अच्छी बात है। चार व्यक्ति काम कर रहे हैं और एक पांचवा व्यक्ति भी काम कर रहा है, सभी ने समान प्रकार का व्यापार किया है, समान प्रकार की पूंजी लगा रखी है, ये सभी तो ऑन एन एवरेज कितने रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं? 1,20,000। लेकिन यह व्यक्ति 1,45,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है समान परिस्थितियों में, यानी बाकी अन्य सभी व्यापारियों से कितना ज्यादा पैसा कमा रहा है, यानी इसी प्रकार के व्यापार को करने पे प्रॉफिट आना कितना ही चाहिए था और आया कितना? तो ये 25,000 कौन सा प्रॉफिट हो गया? अधिलाभ हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। तो जब हम लोग ख्याति की गणना सुपर प्रॉफिट से करेंगे तो अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो जाएगा बेटा। अब मान लो मेरे सुपर प्रॉफिट कितने हैं अभी और मैं ख्याति कितने वर्षों से मल्टीप्लाई, तो 25,000 × 3 बराबर। आ गई बेटे बात समझ? पक्की बात समझ आ गई? सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। वापिस बोलेंगे, एक्चुअल आपने जो प्रॉफिट कमाया है उसमें से जो आप सामान्य परिस्थिति में कमा लग सकते थे वो घटा दो, तो जितना ज्यादा तुम कमाओगे वही तुम्हारा अधिलाभ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर। आई बेटे बात समझ? तीसरा, लाभों की पूंजीकरण विधि। एक एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त है, वह साल का 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाता है कपड़े के बिजनेस से। बताओ मेरे दोस्त ने कितने रुपए की पूंजी लगा रखी होगी? क्या आप बता सकते हैं इसी सूचना के आधार पर? सर हमें क्या पता कितने लगा? मैंने कहा बताया ना प्रॉफिट। बोले सर कोई और सूचना दो। मैंने कहा तुम बोलो क्या सूचना चाहिए। बोले सर ये बता दो कि वो जिस प्रकार का व्यापार करता है उस व्यापार में कितना परसेंट का प्रॉफिट पूंजी लगाकर कमाया जा सकता है। मैंने कहा जी मैंने सुना है कि उसी तरह के व्यापार में अन्य लोग पूंजी का 10% के बराबर प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो आपने कहा फिर आपका दोस्त ही वही बिजनेस कर रहा है, 1,50,000 प्रॉफिट कमा रहा है और कितने परसेंट से कमा रहा है? तो सर आपने कहा कि 1,50,000 डिवाइड बाय 10 गुणा 100 कर दो, आपके दोस्त की व्यापार की पूंजी 15,00,000 होगी या होनी चाहिए? होगी या होनी चाहिए? अरे होगी नहीं, होनी चाहिए। अभी तुझे पता कैसे लग गया कि पूंजी कितने की है? कहाँ पता चला? तूने देख ली बैलेंस शीट? फिर तभी तो बोला होनी चाहिए, वो तो जाके पता करना पड़ेगा ना कि पूंजी है कितनी। अब मैं कहूँ कि इसकी पूंजी व्यापार में केवल कितने रुपए की लगी हुई थी? आप बोलोगे आपका दोस्त तो जोरदार है, व्यापार में पूंजी होनी कितनी चाहिए थी और व्यापार कर कितने में लिया, यानी इसने अन्य व्यापारियों से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि इसकी मार्केट में ख्याति है, इसलिए होनी चाहिए थी कितनी? 15,00,000, और है कितनी? 4,00,000। तभी तो होनी चाहिए और है में अंतर ले पाएंगे, तब जाके आपके ख्याति कितनी निकलेगी? आ गई क्या बात समझ?
ऑल डन। ये तो कौन सा विधि? लाभों की पूंजीकरण विधि। अंडरस्टूड। एन्यूटी मेथड क्या होता है? एन्यूटी क्या होती है? अवार्षिकी विधि क्या होती है बताइए, अगर तुमने पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। पढ़ोगे ध्यान से, फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ? ठीक है। हाँ जी, क्या बोलते? हाँ वही कुछ वैसा ही होता है, बट डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना आप लोग। नाम बोलो बेटे आपका। निखिल। निखिल स्वीट्स एंड नमकीन का बड़ा स्टोर है जयपुर में। निखिल स्वीट्स एंड, बड़े कस्टमर आते हैं इसके जॉब पे। पर ये व्यक्ति क्या है, इस बिजनेस से बोर हो चुका है। इसने अखबार में निकाल दी, मैं अपना बिजनेस बेचना चाहता हूँ। इच्छुक व्यक्ति आए, संपर्क करें, पैसे दें और मेरा व्यापार संभाल लें। मैं पहुंच गया इसके पास, मैंने कहा निखिल स्वीट्स एंड नमकीन? बोले हाँ। व्यापार बेचोगे? बोले बिल्कुल। मैंने कहा बेच दो। उसने बोला लाओ पैसे दो। मैंने कहा कितने पैसे दो? बोले रुको, पहले हम हमारे व्यापार की क्या पता करेंगे, असेट्स, उसका मार्केट में मूल्यांकन कराएंगे। कराओ साहब, संपत्ति का मूल्य कितना, आपकी लायबिलिटी कितनी निकली? तो हमने कहा कि आपके व्यापार की पूंजी कितने की है? 40 लाख। मैंने कहा निखिल ये लो 40 लाख रुपए का चेक, कल से आपका बिजनेस मेरा, कल से आपकी मिठाइयाँ और नमकीन मेरी, कल से आपके द्वारा कमाए गए प्रॉफिट भी क्या होंगे, मेरे, क्योंकि व्यापार का मालिक अब आप नहीं, मैं हो गया। निखिल ने कहा सर पागल थोड़ी हूँ जो मात्र 40 लाख में आपको अपना बिजनेस बेच जाऊंगा। आप मेरा बिजनेस, मेरी मिठाइयाँ थोड़ी खाने के लिए ले रहे हैं, इनको बेचने के लिए रहे, और मेरा बिजनेस इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि मेरा बिजनेस पहले से लाभ कमाने की क्षमता रखता है। अगर मेरा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता तो आप मेरी दुकान पे आते भी नहीं, किसी और के पास जाते। मैंने कहा बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। बोले जब मैंने बात सही कही तो इसी बात पे आप 20 लाख रुपए और निकालो। बोले ये क्या है? मैं बोला ये 20 लाख रुपए कैसे? बोले साहब गुडविल। मैंने कहा ये कहाँ रह गई गुडविल, दिख तो रही नहीं है। अरे बोले पागल, गुडविल क्या होती है? इनटेंजिबल, जो होती तो है लेकिन दिखाई नहीं दे। और ये मैंने क्या बोला था, यह व्यापार की प्रतिष्ठा का मूल्य है, जो दिखता नहीं लेकिन होता तो है। मैं कहा समझ गया, चलो मुझे पता सब था। मैं बोला हाँ हाँ सही सही सही, ये 20 लाख तूने कैसे निकाला ये तो बता। बोले देखो सर, पिछले 4 साल के प्रॉफिट का मैंने एवरेज निकाला, या पिछले 5-6 साल के प्रॉफिट का देखो, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, आपको समहाउ ऊपर नीचे 5 सवा 5, 5 15, 4 80, 4 90, 4 95, यानी आपको ऑन एन एवरेज 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। बोले कल से यही प्रॉफिट किसका होगा? आपका। तो मैंने कहा ये 5 लाख ही पकड़। बोले क्या मेरा व्यापार खाली इतना ही हिम्मत रखता है कि 1 साल ही आपको 5 लाख का प्रॉफिट कमा के देगा? मैंने कहा मुझे क्या पता। बोले मैं बताता हूँ, मेरा ऐसा व्यापार है जो आप बिना किसी टेंशन के आराम से 4 साल तक घर बैठे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के हर साल 5-5 लाख का प्रॉफिट 4 साल तक कमा लेंगे, इसीलिए मैं आपसे कितने रुपए ले रहा हूँ। मैंने कहा समझ में आ गया कि गुडविल तुमने कैसे निकाले। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मैं निखिल का व्यापार ही नहीं खरीद रहा बेटे, उस व्यापार में जो लाभ कमाने की जो क्षमता है उसको भी मैं खरीद रहा हूँ कि नहीं खरीद रहा। तो मैंने प्रॉफिट केवल 1 साल का ही खरीदा क्या? कितने साल का खरीदा? तभी तो मुझे 20 लाख देने पड़े बेटे, पक्की बात है ना। मैंने कहा निखिल यार 4 साल बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, 4 साल बाद में क्या होगा क्या नहीं, आज से 4 साल के बारे में सोचें तो बड़ा टिपिकल है सोचना, 3 साल कर ले इसको। उसने बोला ठीक है यार तू भी खुश रहे, 5 लाख गुणा 3 बोलो कितना, तो ख्याति देना कितना तय हुआ, 15 लाख। मैंने कहा निखिल ये लो 40 लाख तो ले लो पूंजी के और 15 लाख ले लो ख्याति के, कितना हो गया, 55 लाख। बेटे बात समझ में आ गई? अब आप तुरंत मेरी बात का जवाब दीजिएगा, मैंने अपनी जेब में से कितने पैसे निकाले हैं? 55 लाख ना। इस 55 लाख में से दो चीज हैं, एक तो 40 लाख जो व्यापार की संपत्तियां माइनस दायित्व घटा के मैं मालिक बन चुका हूं,
जिन्हें मैं तुरंत चाहूँ तो बाजार में बेचकर वापस 40 लाख रिकवर कर सकता हूँ ना, और 1 15 लाख मैंने किसके दिए हैं? क्या दिए बेटा? ये 15 लाख मुझे क्या 1 साल में ही रिकवर हो जाएंगे? पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में? बात समझ आ रही? मेरे पास जेब में 100 रुपये का नोट रखा हुआ है और मुझे वो कैलकुलेटर खरीदने की मन में इच्छा है कि मैं कैलकुलेटर खरीद लूँ। मैंने जेब में हाथ डाला और मैंने देखा यार 100 का नोट तो है, खरीदूँ कि नहीं? मैंने कहा छोड़ो जी, 1 साल बाद में खरीद लेंगे। मैं 1 साल बाद दुकानदार के पास गया। मैंने कहा दुकानदार ये 100 का नोट पकड़। और वो कैलकुलेटर मैंने उठाया और आने लगा। बोले भाई साहब कहाँ कहाँ क्या, अपने घर जाऊंगा, दे दो 20 रुपये, 20 रुपये निकालो। और मैंने कहा अरे क्यों? बोले वो महंगा हो गया। मैंने कहा रुक, 2 + 2 साला, 1 साल पहले भी 4 ही बताता था, आज भी कितना बता रहा है? महंगा कैसे हो गया? बटन भी उतने ही थे जितने पहले थे, आज भी थे, महंगा कहाँ से हो गया? बोले सब हो गया महंगा, महंगाई बढ़ना बोलते हैं ना, महंगाई बढ़ना। बेटा महंगाई एक्चुअली बढ़ना नाम दिया जाता है, हो रहा है कि रुपए की जो क्रैक करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। इसीलिए पहले जो कैलकुलेटर 100 रुपये खरीद पाता था, वो अब उसी कैलकुलेटर खरीदने में 100 रुपये में 20 रुपये की ताकत और झोंकी जा रही है, तब कैलकुलेटर आ रहा है ना। बेटा ध्यान से देखिए, मैंने मेरी जेब में से आज ही 15 लाख रुपए निकाल कर किसको दे दिए? निखिल को। लेकिन वो 15 लाख की रिकवरी मुझे 1 साल, 2 साल, 3 साल में किस्तों में होगी ना बेटा? मुझे 1 साल बाद दिखेंगे तो 5 लाख ही, 2 साल बाद दिखेंगे तो 5 लाख ही, 3 साल बाद दिखेंगे तो 5 लाख ही। लेकिन उन 5 लाख रुपए से जो मैं आज संपत्ति खरीद पाऊंगा, उन्हीं 5 लाख से मैं 1 साल बाद वो संपत्ति नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि रुपए की क्रय अर्न करने की क्षमता कम हो चुकी होगी बेटे। तो मुझे इसे भी ख्याति का मूल्य, इस लाभ में हो रही, इस रुपए के मूल्य में हो रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए था। अब इसे कहते हैं एन्यूटी। बेटा बहुत डिटेल में तो आप पढ़ेंगे सीए इंटर के अंदर, यहाँ मैं छोटा सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। मान लो मैं कहूँ कि रुपए में 10% की दर से हर साल एन्यूटी बेसिस पे गिरावट होती जा रही है। यूज करो कैलकुलेटर, एक बटन दबाओ बेटा, 1 प्रेस 1, डिवाइड 1 पॉइंट। अच्छा अब क्या मैं इस 10%, अभी कुछ मत करना, इस 10% को क्या मैं 10/100, 10/100 कर सकता हूँ, और 10/100 को 0.10 कर सकता हूँ? तो पॉइंट तो आप दबा ही चुके हैं ना, प्रेस 1 और 0, और इक्वल्स टू का बटन दबा के छोड़ दो कैलकुलेटर। इक्वल्स टू का बटन दबा दो, क्या 0.909090 आ गया बेटा? यानी 91 पैसे आ गया बेटा। 1 रुपये बराबर कितने पैसे? 100 पैसे। 1 रुपये बराबर कितने पैसे? लेकिन वो आज है 1 रुपये के बराबर 100 पैसे। इन्हीं 100 पैसों को अगर मैं आज खर्च कर दूं तो जो संपत्ति खरीदना चाहता हूं वो आ जाएगी, लेकिन जो संपत्ति मैं 1 साल बाद इन्हीं 100 पैसे में खरीदना चाहूंगा वो नहीं, क्योंकि उस समय उन 100 पैसे की कीमत 100 के बराबर ना रहकर घटकर 91 पैसे रह गई होगी। तो मुझे 10 पैसे या 9 पैसे और बढ़ाने पड़ेंगे, जैसा 20 रुपये बढ़ा के दे रहा था। टेल मी, ये सुन लो, ये 1 साल बाद 100 पैसे की कीमत कितनी रह जाएगी? 91 पैसे। एक बार इक्वल्स टू का बटन दोबारा बताओ, कितना आया? अरे दो बार नहीं रहे, एक ही बार। 0.82 आया क्या? मैं राउंड ऑफ करके 0.83 कर दूं, आज जो 100 पैसे हैं वो घटकर 83 पैसे के बराबर रह जाए। मतलब ऐसा नहीं कल तो 100 पैसे दिख रहे थे, 83 पैसे दिख रहे, दिखेंगे 100 पैसे लेकिन वो चलेंगे नहीं। 100 5 रुपए का सिक्का हुआ करता था, आज बहुत कम दिखने लग गया है। पहले 1 रुपए का सिक्का देते, 2 के सिक्के दिखते थे, 10 पैसे 20 पैसे के सिक्के दिखते थे, पर वो दिखने बंद हो गए ना, क्योंकि हम 20 पैसे 10 पैसे में कोई चीज़ ही नहीं आती, चलन से बाहर होती चली गई ना। वापिस इक्वल्स टू करो, 0.75 आ गया क्या? 0.751 कर सकता हूँ, यानी 100 पैसे की कीमत 1 साल बाद 91 पैसे, 100 पैसे की कीमत 83 पैसे, 100 पैसे की कीमत 75 पैसे। अच्छा 100 पैसा दूसरे साल का भी, 100 पैसा और तीसरे साल का भी 100 पैसा, कितने पैसे हो गए? 300। क्या मैं इसे 3 रुपए का नाम दे सकता हूँ? इन तीनों को जोड़ के देखो, 0.91, 0.83, 0.75, 2.49, यानी मेरे को दिख कितने के रुपए के रहे हैं, लेकिन बाजार में उनकी कीमत घटकर 2 रुपए 49 पैसे के बराबर रह गई। ओके, तो जब उसने मुझसे ख्याति का पैसा मांगा था तो मैंने 5 लाख गुना 3 किया था ना, जबकि मुझे 5 लाख गुना 3 नहीं बेटा,
मुझे 5 लाख गुना 2.49 करना चाहिए था। करो देख, 5 लाख गुना 2.49, 12,45,000। तो मुझे निखिल स्वीट्स एंड नमकीन को उसके व्यापार खरीदने के बदले में 12,45,000 रुपए ही देने चाहिए थे, ना कि कितने रुपए, 15 लाख। क्योंकि मेरे को पैसे मिलेंगे तो भले ही 15 लाख, लेकिन मार्केट में उसकी जो कीमत है वो घटकर कम हो जाएगी ना। बेटा सोचे ना, आपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए, एक साल बाद बैंक आपको 1 लाख देगा तो लेंगे क्या? ब्याज की दर लोगे ना? क्यों लोगे ब्याज? क्योंकि उस समय वो 1 लाख की कीमत घटकर 7,000 रुपये से कम हो गई होगी। तो आपको जो 7,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे वो आपकी घटी हुई कीमत को आपको बढ़ाने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? बेटे बात समझ में आई? पक्की समझ में आई? कल हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर पहला और दूसरा ट्राई करेंगे, ठीक है बेटे? अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो तो वर्बली पढ़ा था, कल जब प्रश्न करेंगे तो इनकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझ में आ जाएगी। चलो ओके बेटे।